हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का साइको टेस्ट होने वाला है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, नया पैटर्न सिलेबस के बारे में बताऊँगा और साथ में ये भी मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है नए पैटर्न के हिसाब से और कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और OMR सीट किस टाइप का होता है इसमें उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग नए हैं जो लोग मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं। और इसमें एक बात मैंने ये बताया है, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है न्यू बैच स्टार्ट बिटवीन 5 to 10 February लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब पर मैं 5 से 10 February के बीच में किसी भी डेट में मैं लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूं जो कि साइको टेस्ट का लाइव क्लास चलेगा यहां पर। इसलिए आप लोग देरी ना करते हुए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आंसर की, तब तक शायद आप लोग का आ भी जाएगा CBT 2 का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका साइको टेस्ट होगा वो उसमें सिर्फ 5 टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि 5 टेस्ट होगा आपका और उसमें विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके बारे में मैं यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये न्यू पैटर्न है, जो नए पैटर्न पर आपका साइको टेस्ट होगा उस पर मैंने यहाँ पर एक वीडियो ये बनाया हुआ है। तो इसमें चलिए देखते हैं। पहला है टेस्ट सीरीज, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस और तीसरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और चौथा है टाइम, तो कितने टाइम का होगा। तो इसमें देखिए टेस्ट 1 जो होगा आपका पहला टेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है ये, और इसमें होता है मेमोरी फिगर टेस्ट होता है। जो मेमोरी फिगर टेस्ट होता है उसमें ये 5 टाइप का टेस्ट होता है जिसमें से 5ों में से आपका कोई भी एक पूछा जा सकता है। टाइप ए पूछा जा सकता है या टाइप बी पूछा जा सकता है या टाइप सी पूछा जा सकता है या टाइप डी या टाइप ई। तो इन सभी 5ों टेस्ट में से आपसे एक कोई भी पूछा जा सकता है टेस्ट में। तो इसमें मैं आपको डिटेल में ये बताने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ लिख दिया है ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का समस्या ना हो। तो यहाँ देखिए जो टाइप ए होता है टेस्ट होता है जो कि टेस्ट 1 का है भाग मेमोरी फिगर टेस्ट टाइप ए। तो टाइप ए में आपका 12 क्वेश्चन का सेट होता है, 12 क्वेश्चन का 2 सेट होगा आपका, मतलब कि टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और जिसमें आपका 2 सेट दिया रहेगा 12 क्वेश्चन का। और इसमें किस तरह से आपको उत्तर देना होता है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये आपका एक बुकलेट टाइप में होता है जिसमें एक तरफ 12 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और दूसरे पेज में आपका उस चित्र को पहचानने के लिए बताया जाएगा। तो आपको एक बार पहले चित्र को देखकर याद कर लेना है, फिर उसके बाद क्योंकि ये मेमोरी फिगर टेस्ट है तो मेमोरी में आपको बैठा लेना है कि पहले पृष्ठ में पहला बुकलेट संख्या के पेज में क्या दिया हुआ है और उसे दूसरे पेज में आपको छाटना होता है। तो इस तरह से इसमें ये जितने भी आपकी मेमोरी बेस्ड आपका जो फिगर टेस्ट है इन सभी में इसी टाइप से होता है। तो इसमें देखिए जो 2 सेट यहाँ पर दिया गया है, जो 2 सेट पूछा जाएगा उसमें आपका टाइमिंग जो रहेगा आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा इस 12 क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक। और अगला 2 मिनट जो रहेगा वो आपको पेज पलट कर उसे सॉल्व करने के लिए जो कि OMR सीट के पर आपको सॉल्व करना है। तो कुल मिलाकर सिर्फ 12 क्वेश्चन के लिए आपके पास समय है 2 मिनट देखने का और 2 मिनट सॉल्व करने का, मतलब कि 4 मिनट का समय आपको एक क्वेश्चन पर मिलेगा। मतलब कि ये 12 क्वेश्चन का जो सेट रहेगा, सेट एक पहला सेट के लिए आपको 4 मिनट और दूसरा 12 क्वेश्चन मतलब कि दूसरा सेट के लिए आपको 4 मिनट, मतलब कि टोटल 8 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टाइप बी जो मेमोरी फिगर टेस्ट होगा वो टाइप बी टाइप का जो होगा उसमें देखिए अगर टाइप बी से आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका 20-20 क्वेश्चन का 2 सेट आएगा, मतलब कि टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि 20-20 क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। पहले 20 क्वेश्चन आपको देख लेना है फिर उसे आपको सॉल्व करना है मतलब कि आंसर शीट पे। तो पहला 20 क्वेश्चन को देखने के लिए आपके पास 3 मिनट का टाइम है और उसे सॉल्व करने के लिए भी आपके पास 3 मिनट का टाइम है। तो इस तरह से पहले 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल टाइम रहेगा 6 मिनट का टाइम लग जाएगा, ठीक है, मतलब कि 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। और इसके बाद जो अगला 20 क्वेश्चन होगा उसके लिए भी
क्योंकि दो सेट दिया जाता है क्वेश्चन का, तो इस अगला क्वेश्चन के लिए भी 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन का आपका 40 क्वेश्चन को करने में 12 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका टाइप बी भी पूरा हो गया। और टाइप सी में क्या है, मेमोरी फिगर टेस्ट जो टाइप सी का होता है, उसमें भी आपका 12-12 क्वेश्चन का दो सेट आपको पूछा जाएगा। इसमें भी ऊपर जैसे टाइप एट में दिया गया है कि 4 मिनट और 4 मिनट का समय, तो उसी तरह 8 मिनट का समय इसमें भी आपको मिलेगा। पहले 2 मिनट का समय आपको क्वेश्चन को देखने में के लिए मिलेगा, और दूसरे 2 मिनट में आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह से 4 मिनट में आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए टाइप डी में जो क्वेश्चन आपका आएगा वो 21-21 क्वेश्चन का आएगा, ठीक है। और अभी पिछले बार जो हुआ था साइको टेस्ट 2000, देख रहे हैं हम कि 2016 में शायद हुआ था, नहीं 2015 में हुआ है, 2015 में टेस्ट हुआ है साइको टेस्ट, जो कि विथहेल्ड कैंडिडेट वालों का हुआ है 2015 में जो साइको टेस्ट हुआ है। उसमें देखिए ये टाइप डी प्रकार के आप मेमोरी फिगर टेस्ट पूछा गया था। तो उसमें आपका 21-21 क्वेश्चन का दो सेट दिया गया था, जिसमें टोटल क्वेश्चन 42 क्वेश्चन हो जाते हैं और दो सेट होता है। तो पहले 3 मिनट में आपको 21 क्वेश्चन को देखना होता है, और दूसरे 3 मिनट में आपको इसी 21 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको 6 प्लस 6 12 मिनट का टाइम दिया जाता है दो सेट को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पास टोटल सिर्फ 3 मिनट का समय है, 3 मिनट में आपको 21 क्वेश्चन देखना है, और उन्हीं 3 मिनट में आपको सॉल्व भी करना है 21 क्वेश्चन। तो इस तरह से 12 मिनट में आपको कुल मिलाकर 42 क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है टाइप ई। टाइप ई का जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए मेमोरी टेस्ट जो पूछा जाएगा उसमें भी आपका दो सेट रहेगा, जो कि 12-12 क्वेश्चन का रहेगा। और ये भी सेम ए टाइप का और सी टाइप का आपका समय दिया गया है, उसी तरह से 8 मिनट का समय मिलेगा, ठीक। इसके बाद देखिए टेस्ट टू जो पूछा जाएगा, टेस्ट टू आपका जो होगा क्वेश्चन का, उसमें आपका वॉच टेबल होगा या फिर सिर्फ टेबल से पूछा जाएगा। वॉच में आपका एक घड़ी टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा, उससे रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वॉच टेबल होगा उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 मिनट का समय होगा। और इसके बाद जो टाइप टू होगा, इसमें टेस्ट टू के लिए इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टेस्ट आपका जो दूसरा टेस्ट होगा उसमें, तो अगर टेबल से पूछा जाएगा तो टेबल से आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, और 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस शुरू होंगे तो आपको वहाँ पर आप पीछे ना हो जाए समझने में, इसलिए लाइव क्लासेस जरूर अटेंड करिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए अगला आता है टेस्ट 3। टेस्ट 3 में देखिए क्या है, ब्रिक्स से क्वेश्चन, इन दोनों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्रिक्स से पूछे जाएंगे या फिर क्यूब से पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 50 संख्या होगी दोनों के लिए, ब्रिक्स के लिए भी 50 क्वेश्चन की संख्या होगी, और क्यूब के लिए भी क्वेश्चन की संख्या 50 होगी। इन दोनों में से आपके कोई भी पूछे जा सकते हैं, और पिछले बार अभी 2015 में हुआ है साइको, उसमें क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि ब्रिक्स के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और क्यूब के लिए आपको 12 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए आगे क्या है, तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको समय पर विशेष ध्यान है और देना है, और स्पीड आपको अपना बनाए रखना है। इसके बाद देखिए टेस्ट 4 आता है। टेस्ट 4 आता है, अभी मैं इसके बाद आपको OMR सीट दिखाऊंगा कि किस तरह से OMR सीट होता है, और क्या क्या उसमें ज़रूरी बातें भरनी होती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए टेस्ट 4 में क्या आता है, टेस्ट 4 में आपको एक क्वेश्चन होता है जो कि यस और नो से रिलेटेड होता है,
उसमें आपको बताना होता है कौन यस या नो, मतलब कि आपको फिगर देखना है और यस और नो वहाँ पर लिखना है कि हाँ ये फिगर उसमें है या नहीं है। तो उसके लिए आप 96 क्वेश्चन आपको सिर्फ 4 मिनट में करने होंगे। 96 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तीन टाइप का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, तीनों टाइप में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 4 मिनट में आपको 96 क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखिए फाइंड 6 या फाइंड 9, इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। ये देखिए नया शुरुआत हुआ है, फाइंड 9 पूछा जा रहा है आपके, 2015 से पूछा जा रहा है फाइंड 9, ठीक है, 2015 से इसकी शुरुआत हुई है और ये एकदम नया न्यू सिलेबस है। और इसमें देखिए इससे आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको फाइंड 6 तो आपका पहले से ही था लेकिन फाइंड 9 ये नया शुरुआत हुआ है, और 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि जिसके लिए सिर्फ 4 मिनट का आपके पास समय रहेगा। 4 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करना है। तो किस तरह से क्वेश्चन करना है मैं उन सबको आपको लाइव जिस दिन से क्लास शुरू करूंगा उस दिन मैं आपको सब बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम्स देना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है इसकी। तो आप लोग वो क्लासेस भूलिएगा नहीं करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो फाइंड 6 एवं फाइंड 9 का क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चंस, उसके लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद देखिए सेम फिगर, जो कि सेम फिगर टाइप का है, टाइप ए का भी होता है और टाइप बी का भी होता है। तो इसमें आपका जो टेस्ट 4 में पूछा जाएगा वो आपका टाइप ए में पूछा जाएगा, सेम फिगर का है, सेम फिगर टेस्ट होता है जो कि टाइप ए का आपका टेस्ट 4 में आता है, जिसमें आपके 96 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसे करने का समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में आपको ये 96 क्वेश्चंस करने हैं। तो किस तरह से 96 क्वेश्चन होगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जिस दिन क्लास लूंगा। और इसके बाद देखिए टाइप टेस्ट 5 है, टेस्ट 5 में आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सेम फिगर टाइप टेस्ट होता है, टाइप बी ये टेस्ट होता है, ये भी सेम फिगर टेस्ट है जो कि इसका दूसरा भाग होता है, और ये आपका 5वां टेस्ट में आता है। इसमें भी आपके ये दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो 2015 में अभी साइको टेस्ट जो हुआ है उसमें ये सिमिलरिटी टेस्ट पूछा गया है, और जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर यही आता ही है सिमिलरिटी टेस्ट। लेकिन आपको दोनों तरह से पढ़ना है कि कोई भी पूछा जा सकता है। तो सेम फिगर टेस्ट जो है उसमें टाइप बी का टेस्ट आपका 72 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। 5 मिनट में आपको 72 क्वेश्चन किस तरह से करना है वो मैं बताऊंगा। और इसके बाद देखिए सिमिलरिटी टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट में आपके 72 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसे करने के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। तो 6 मिनट में आपको ये 72 क्वेश्चन करना है। तो किस तरह से करना होगा वो आपको बताना होगा, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, लाइव क्लास लूँगा तो उसमें प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको सब कुछ वो करवाऊँगा जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप अच्छे से सीख सकें, मैं उन सभी चीज़ों को आपसे बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 टाइप के टेस्ट हैं, इसे मैंने आपको ये बता दिया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए मैं आपको OMR सीट यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस टाइप का आपको OMR सीट यहाँ पर मिलेगा। तो ये देखिए OMR सीट है दिया हुआ, तो मैं इसे देखिए जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या बातें यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर देखिए ये टेस्ट 1 यहाँ पर दिया हुआ है। टेस्ट 1 आपका मेमोरी टेस्ट होता है, इसमें से आपको यहाँ पर कोई भी कोड, टेस्ट ID होता है और टेस्ट कोड होता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो उसका टेस्ट ID A हो गया और टेस्ट कोड 3 नंबर हो गया। तो इस तरह से A पर आपको गोला करना है और 3 पर करना है। तो इस तरह से आपको टेस्ट 1 के लिए भी करना है, टेस्ट 2 अगर पूछा जाएगा उसके लिए भी आपको इसी तरह का कोड और ID दिया जाएगा, वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर टेस्ट 4 के लिए भी उसी टाइप से करना है। और इसके बाद देखिए टेस्ट 4 के लिए भी यहाँ पर टेस्ट ID मान लीजिए A दिया हुआ है, टेस्ट 4 के लिए 4 कोड दे दिया है मान लीजिए, तो उसे गोला करना है। टेस्ट 5 के लिए भी उसी तरह से आपको भरना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि लोग यहाँ पर ये कोड भरने के लिए भूल जाते हैं, ये कोड भरने के लिए भूल जाते हैं जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर
तो यहाँ पर देखिए कि टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टेस्ट आईडी और टेस्ट कोड भरना बहुत ज़रूरी होता है, इसके कारण लोग अक्सर फेल हो जाते हैं, इन्हें नहीं ध्यान देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा और रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, और शब्दों में भी रोल नंबर डालना है। तो इस तरह से टोटल मैंने आपको बता दिया। और ये यहाँ पर 2 भाग में डिवाइड नहीं रहता है OMR शीट, ये इसी के नीचे रहता है OMR शीट। यहाँ जैसे 3रा नंबर क्वेश्चंस है, इसी पेज के नीचे आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने में। इसलिए आप लोग विशेष तौर से ज़रूर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। और मैं जो लाइव क्लासेस लूँगा, अक्सर आम तौर पर ये देखा जाता है कि कहीं पर भी आप साइको क्लास के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे फीस लिया जाता है, 4 से 5 हज़ार के बीच में फीस लिया जाता है साइको का, जो कि 1 सप्ताह का क्लास होता है। वहाँ पर आपको 1 सप्ताह से ज़्यादा क्लास करने भी नहीं दिया जाता है, 1 सप्ताह का क्लास होता है और उसमें आपके 4 से 5 हज़ार सिर्फ फीस लगते हैं, उसके अलावा रहने खाने का 5 हज़ार आपका अलग से लग जाता है। तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मैं आपको फ्री में साइको की क्लासेस करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग करना ना भूलें यहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।